मैं सचिन से शादी करना चाहती हूँ, मुझे यहाँ रहना है, मुझे वापस नहीं जाना। प्यार ना देखे घर बार, प्यार ना देखे रंग रूप, प्यार ना देखे सरहद, लेकिन जब ये सरहद भारत और पाकिस्तान जैसे देशों की हो और प्यार जब उसे भी पार कर जाए तो चर्चा हर तरफ होनी ही थी। प्यार के लिए पत्नी धर्म की मर्यादा और तीन देशों की सीमाएं लांघकर चार बच्चों संग पाकिस्तान से ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा पहुंची पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर की चर्चा हर तरफ हो रही है। काफी दिन आंख मिचौली के बाद सीमा हैदर आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ी गई। UPATS ने सोमवार को महिला को चार बच्चों और उसके कथित प्रेमी सचिन के साथ मथुरा के यमुना पार के पानी गांव से पकड़ा है। ATS और IB समेत तमाम जांच एजेंसियां पाकिस्तानी महिला और उसके भारतीय प्रेमी को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ कर रही है। जो जानकारी सामने आई है वो काफी हैरान कर देने वाली है। सीमा और सचिन की ऑनलाइन पहचान साल 2020 में हुई थी। वो डेढ़ महीने से रघुपुरा में अपनी असल पहचान छुपाकर हिंदू महिलाओं की तरह साड़ी, सिंदूर और मंगलसूत्र पहनकर रह रही थी। मीडिया से बातचीत में सीमा हैदर ने कई खुलासे किए। मैं सचिन से शादी करना चाहती हूँ, मुझे यहाँ रहना है, मुझे वापस नहीं जाना। मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ, मैंने इनके लिए सब कुछ छोड़ा है, मुझे वापस नहीं जाना। बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान से आप कितने तारीख को चली सीमा? मुझे डेट याद नहीं, मुझे बहुत कुछ समय हो गया। अच्छा, और कितना टाइम आपको पाकिस्तान से चल के हिंदुस्तान पहुँचने में लगा? चार दिन, पाँच दिन, कितने दिन लगे थे? ये कुछ दिन लगे थे। कुछ दिन लगे थे। जी सर, पबजी खेलना आपको अच्छा लगता था? जी सर। पबजी में कितने घंटे बातचीत होती थी आपकी? हमारी पबजी में हम पबजी खेला करते 2 से 3 घंटे साथ में रात को। अरे भाई, कब से मिली, कैसे आप नेपाल से कैसे भारत आए? मैं बस थोड़ा सा गैप दे दो यार, प्लीज। पीछे 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 आपकी मदद किसने की थी? किसी ने नहीं। और सचिन से नेपाल से आते वक्त बात हुई थी, रास्ता बताया था उसने, कैसे आपको आने का रास्ता किसने बताया था, किसने गाइड किया था? मैंने यूट्यूब से वही सर्च करा था। तो हम बस एक वो मांगना चाहते हैं कि हमारी बस सरकार शादी करा दे बस। दोस्ती कैसे हुई थी तुम्हारी से? पबजी से हुई थी। अच्छा, तो ये कैसे कैसे पबजी से खेल खेल कर यूट्यूब पे सर्च मार मार के किधर से किधर जाना, कैसे कैसे जाना। प्लान था कहाँ रहने होने का? हैं? आगे क्या प्लान था रहने का? अब जो सरकार आज्ञा देगी वही तो होगा। पुलिस की शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि सीमा हैदर पाकिस्तान के कराची के रहने वाली है। महिला का पति गुलाम रजा दुबई में काम करता है और 2018 में दोनों का तलाक हो चुका है। रघुपुरा पुलिस के पास एक सूचना थी कि यहाँ पे एक महिला है जो कि पाकिस्तान मूल की है, उसके साथ चार बच्चे हैं वो यहाँ पे, और एक व्यक्ति है जिसने उन्हें संरक्षण दिया है, वो लोग यहाँ पे है। जब पुलिस ने उन्हें ट्रेस आउट करने का प्रयास किया तो उन्होंने रघुपुरा से बाहर मूव किया, जिन्हें फाइनली बल्लभगढ़ हरियाणा में अरेस्ट किया गया है। सीमा ने बताया कि 2019 में के लगभग लॉकडाउन के समय वो इसके करीब आई थी सचिन के 2019/20 में, वहाँ पे इनकी थोड़ी मित्रता और फ्रेंडशिप बढ़ी। ये लोग इस साल मार्च में मिले थे नेपाल में, और उसके बाद फाइनली पूरी फैमिली के साथ सीमा जो है नेपाल आई थी मिड मे में, और मिड वहाँ से नेपाल से वाया बस ये इधर नोएडा आई है, जहाँ पे इसे सचिन ने रिसीव किया था। यहीं पर अम्बेडकर नगर स्थित एक कॉलोनी में ये लोग रह रहे थे, और ये सूचना जब हमें फ्लैश हुई तो हमने इसको गिरफ्तार किया। यहाँ रहने के लगभग एक दो वीक बाद जो है उसके फादर को भी इसके बारे में पता चल गया था, और उनके द्वारा पुलिस को कोई इसमें सूचना नहीं दी गई थी। देखिए, जैसे बताया मैंने आपको कि अभी जो है इसने बताया कि पबजी के थ्रू ये संपर्क में आई थी। मूल रूप से सिंध की रहने वाली है, इस समय कराची में रह रही थी। कराची से यूट्यूब की कुछ वीडियोस देख के यहाँ पे कैसे शिफ्ट किया जाए वो उसने देखी, और वहाँ पे एक ट्रेवल एजेंट के माध्यम से इसने नेपाल का टिकट कराया, और नेपाल से वाया बस ये यहाँ पे आई है सचिन से मिलने। इसका हस्बैंड इस समय सऊदी में है जैसे कि इसने बताया, और वहीं पे काम करता है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां इस बात का पता लगा रही हैं कि क्या ये महिला प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमी से मिलने भारत आई है, या इसका मकसद जासूसी करना था। अभी इस बारे में कुछ पुख्ता जानकारी हाथ नहीं लगी है। महिला के मोबाइल की कॉल डिटेल खंगाली जा रही है। पता लगाया जा रहा है कि भारत में रहने के दौरान महिला ने किससे संपर्क किया। उसके मोबाइल से कुछ राज खुलने की संभावना है।